श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए विस्तार से आज की खबरों का जायजा लेते हैं। इलाहाबाद हंडिया तहसील के उतराव थाना के अंतर्गत आरा कला में हुआ एक्सीडेंट जिसमें टवेरा और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो चालक व दो लोगों की मामूली चोटें आई हैं जिसमें एक अध्यापिका भी बैठी थी। स्थानीय लोगों ने नजदीकी क्लिनिक में इलाज करवाया। बलीपुर चौराहे पर टवेरा चालक काफी तेजी से गाड़ी भगाया जिससे लोगों को लगा कि टवेरा चालक किसी का अपहरण करके भागा है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने क्षेत्राधिकारी हंडिया को दी। क्षेत्राधिकारी ने कोतवाली हंडिया थाना सराय अमरेज थाना उतराव सराई नायन समेत अन्य थानों को सूचित किए और चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी। दरोगा सुशील यादव SIBN यादव SI लल्लन यादव कांस्टेबल यशवंत सिंह कांस्टेबल संजय प्रजापति त्रिभुवन पांडे आदि हर थाने से ज्यादा सतर्क रहे। जौनपुर देवड़िया थाना क्षेत्र के निकट बलभद्रपुर गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से 20 वर्ष की लड़की की मौत। बताया गया कि लड़की का नाम चंदा पटेल पुत्री मनीजर पटेल था। गांव वालों का कहना है कि दो दिन से बिजली का तार गिरा था। बिजली विभाग के कर्मचारियों को फोन भी किया जा रहा था लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया। गुस्साए ग्रामीणों ने नेवढ़िया थाना का किया घेराव और बिजली विभाग के कर्मचारियों को हटाने की मांग की। नेवढ़िया थाना पर FIR दर्ज कराया गया। हमारा लोगों का डिमांड यही है कि हम चाहते हैं कि जो भी लड़की बिजली विभाग की गलतियों से यहाँ पे हादसा हुआ है तो उसके राहत को उसमें कुछ ना कुछ दिया जाए। ठीक, पीयूष मिश्रा बोल रहा हूँ ग्राम सभा में, ग्राम सभा बलभद्रपुर। और हमारे यहाँ बिजली परसों से गिरी थी, परसों शाम को। जो भी क्षेत्र के जो देखने वाले हैं बिजली कार्यकर्ता वो आए और ऐसी घटना देख के वो भाग गए। और जो कि बिजली विभाग को फोन किया गया चार बार, कोई सूचना नहीं, ना कोई बिजली कटी। और कल 7 बजे तक बिजली थी, 5 बजे तक थी, 5 बजे तक बिजली थी। और वहाँ कितने लोग गए अगर किसी को नहीं मालूम था, सब लोग जान रहे थे बिजली कट गई। ये सब लोग सुरक्षित बच गए। लड़की यहाँ लेते हैं छोटा सा विराम। प्रधान और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम वहां पहुंची और स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा। आइए सुनते हैं। आपका नाम? रियाज अहमद जी। क्या समस्या हो रही है? समस्या यही सर कि ये रास्ता जो बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है, जगह जगह पर पानी रुक जा रहा है जिससे यातायात के लिए सबसे बड़ी समस्या यातायात को खड़ी जा रही है। जी जी। क्या साल से है ये? करीब 7-8 साल से सर। अच्छा अच्छा। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं इस पर हुई। अच्छा, और आप बताइए। अरे सर बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। जगह जगह एक एक हाथ का गड्ढा है। हम तो मोटरसाइकिल लेके एक बार गिर गए थे। जी जी। लेकिन अब आए दिन घटना हो रही है, अब इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सबसे कहते हैं लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। देवगांव आजमगढ़ में ही जय बाबा बुढ़ऊ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसका महत्व बहुत है। यहाँ श्रद्धालुओं की आए दिन भीड़ लगी रहती है। फास्ट न्यूज इंडिया के मीडिया कर्मी ने वहाँ पहुँचकर मंदिर के बारे में जानकारी। मंदिर गुरु बाबा के नाम से बहुत दिनों से प्रसिद्ध था और यह नवासी में इस मंदिर का शुरुआत हुई है। उसके बाद से मंदिर पर लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा कि लोग आकर के यहाँ अपनी मनोती करते हैं और पूर्ण होती है। पूर्ण होने पर कराही बाजा गाजा के साथ लोग चढ़ाते उड़ाते हैं। गुरु बाबा मंदिर इस एरिया में प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों की मनोकामनाएं
पूरी करते हैं लोग। बाबा खबरों का सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।